गुर्बतें ये फासले। और ऐसे सच्चे जज के किरदार को रहीम शाह सलाम करता है। मैं काशिफ शाह ये केस वापस लेता हूँ। दुश्मनियाँ ऐसे थोड़ी पाली जाती हैं। दुश्मनियाँ कैसे निभाई जाती हैं? ये काशिफ शाह चंगी तरह जानता है। ओ बिस्मिल्लाह, अब मजा आएगा काशिफ शाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये ना कह देना कमाई ने सुना है ये नाम कहीं। मेरी ती अब सना गाती है। अब हम भी गाते हैं। फंक्शन अच्छा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इस घर में खुशी बहुत अरसे के बाद आई है। आप फिक्र ही ना करें, आप खुश हो जाएंगी। इससे पैसे नहीं लेने ना, ये हमारी ती का बिस्मिल्लाह का काम है। जिंदड़ी, आप बैठिए, मैं अनाउंसमेंट करके अभी आपको बुलाता हूँ। वो अम्मा फौत हो गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो फनकारा आपके सामने अपने फन का मुजाहरा करेंगी, उनकी ये जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस है। आपसे गुजारिश है कि इस फनकारा का इस्तकबाल इस जोश और जज्बे से कीजिएगा कि उसके हौसले बुलंद हों। तो परफॉर्मेंस के लिए तशरीफ लाती हैं सना।
लेडीज एंड जेंटलमैन, सना जिनकी आज ये पहली परफॉर्मेंस थी, मैं सलाम करता हूँ इनकी हिम्मत को और आप भी दिल खोलकर इनको दाद दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने आप लोगों की खुशी की खातिर अपने गम को भुला दिया, वो गम जो इन्हें अपनी माँ की मौत की सूरत में मिला। फनकार, फनकार तो होता ही कुर्बानी के लिए, वो अपने लोगों लोगों की खुशियों की चराग चल, उसकी जिंदगी तमन्ना उसकी उसकी आरज़ू सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खुशी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी, सना पुत्र उठ जा मेरी धी, रियाज कर ले, उठ जा, ना तंग करे सौदा, उठ जा मेरी धी, जब मेरी आंखें बंद हो गई ना तो फिर तू मेरी बातें याद कर करके रोएगी, फिर तुझे पता चलेगा कि अम्मा सही कहती थी।
अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। जीती रहे बेटी, जीती रहे। बड़े अच्छे वक्त पर आया है बाबा जी। मेरा निक्का शाह अदील शाह रिहा होके आ गया है। अदील शाह पुत्र इधर आ, बाबा जी को सलाम कर। पुत्र सलाम कर बाबा जी को। सलाम अलैकुम बाबा जी। सलाम अलैकुम नहीं कहते बेटा, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, क्योंकि रहमतों का नजूल होता है जब सलामती का पैगाम मुकम्मल दिया जाए। जी, इसे उधर ले आ मेरे पास। लाऊंगी बाबा जी, लाऊंगी। इसे नहीं, सबको लाऊंगी। 6 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, आपने जरूर आना है बाबा जी। नल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर, बेशक हर चीज पर कादिर है वो। वही है रहम करने वाला, करम करने वाला। वो तेरा बड़ा बेटा नजर नहीं आ रहा। वो जी अपनी बहन की शादी के लिए कोई चीजें लेने गया शेरबानों के साथ। आप आए ना, बैठे ना, वो अभी आ जाएगा। नहीं नहीं, हमें जाना है, मैं जाना। ये जी रहीम शाह से छोटी है, इसी की तो शादी है। सलाम कर पुत्र बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। अब लिखे हैं जैसे नसीब, वो तो मिलने ही है, वो तो होना ही है। लगता है कुछ नए लोग आए हैं घर में। जी चाचा है रहीम शाह का, दिलावर शाह। दिलावर, ये वही दिलावर है? वही। जी बाबा जी, वही है। शैतान को देखकर लाहौल बिला पढ़ लिया कर, अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह
बिस्मिल्लाह बाबा साईं बिस्मिल्लाह। आए 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 अंदर आए। तू कुछ जल्दी में दिखाई देता है हमें। बस बाबा साईं कम बहुत बिखरे पड़े, उन्हें समेटने की कोशिश कर रहा हूं। इन कामों को समेटते समेटते तू खुद बिखरता जा रहा है काशिफ शाह। क्या करूं बाबा साईं, कल्ली जान है और कम बहुत ज्यादा है। बेटा सुलह करने वाले को अल्लाह बहुत पसंद करता है और जो माफ कर देते हैं उन्हें अजीज रखता है मेरा अल्लाह, और जो किसी के कहे का मान रखते हैं उन्हें पसंद करता है वो गफूर रहीम, और जो किसी के कहे का मान रखते हैं उन्हें कभी नाकाम नहीं होने देता वो गफूर रहीम। हम देख रहे हैं तेरे माथे की शिकनों को जो सीधे रास्ते को टेढ़ी मंजिल की तरफ ले जा रही है। मत भटकने दे अपने जहन को, जो हो गया उसे उसकी रजा समझकर सर झुका ले, वो और सबर अता कर देगा तुझे। अल्लाह तुझे अपनी अमान में रखे। हम देख रहे हैं बेटा बहुत से दुख तेरे वजूद की चादर में तुझसे लिपटे हुए हैं। चले जाएंगे मेरे अल्लाह ने चाहा, उसी तरह जिस तरह हर इंसान ने चले जाना है, चले जाना। से देखिए यहां कमी, अम्मा जी बैठा करती थी, उसकी हयाती में उसकी ख्वाहिश रही है, तू उसकी जगह पे बैठे, मगर उसके बाद भी तू ही बैठ रही। बड़ों की खाली जगह के ना होने का एहसास दिलाती, और मैं ये एहसास खोना नहीं चाहती। मेरे बच्चे उसके खाली जगह जो है तूने पूर करनी है। मेरे बच्चे ये जगह मेरी जिंदगी में हमेशा खाली ही रहेगी। मैं जो भी बन जाऊं जहां भी चली जाऊं
नहीं चाहूंगी कि मेरी पहचान मेरी अम्मा का नाम ही रहे। कोई पता नहीं, दुनिया में आना जाना तो लगा रहता है, आने वाले को मेरे बच्चे को रोक नहीं सकता और जाने वाले के सब पीछे कोई जाता नहीं है। चल चल मेरा बच्चा, तू दो घड़ी आराम कर ले, उठ जा, चल मेरा पुत्र, चल उठ जा। खुली आंखों से अपनी अम्मा को सोते हुए देख रही हूं। मैं देख रही हूं कि उन्हें अब खांसी भी नहीं आ रही। कितना सुकून है उनके पास। अगर मैंने आंखें बंद कर ली तो मेरी अम्मा का सुकून टूट जाएगा। मुझे ऐसे ही रहने दे मामा जी, ऐसे ही देखने दे अपनी अम्मा को, ऐसे ही दे। खाएगी कैसे तू, कैसे खाएगी तू? सोच रही है शेरवान? कुछ नहीं, सोचना क्या है, बहन है ना, भाई को दूल्हा बनाने का चाह परेशान कर रहा होगा। मैं ठीक कह रही हूँ ना शेरवानो? जी जी, लेकिन शाहजी। शेरवानो, तुझे फैसले का अख्तियार दिया है मैंने, अब फिर तू मेरी खुशी में अपनी खुशी को बनाना ना भूला कर। जा अपने भाई दूल्हा बनाने का चाह पूरा कर। लेकिन आपको अकेले छोड़कर। हो बाबा, जब दुनिया से जाऊंगा फिर भी तो अकेला छोड़ोगे ना मुझे? रब ना करे शेरबानों की जिंदगी में ऐसा दिन आए, और अगर ऐसा दिन आ भी गया तो शेर बानो आपसे पहले
इस दुनिया से मुंह मोड़ेगी। किस मौके पर कैसी बातें शुरू कर दी हैं पुत्र? जा मेरा पुत्र, तू जा। माँ जी, शाह जी का ख्याल रखना। जी। तेरी इस आदत पर माँ जितना भी फख्र करे कम है पुत्र, पर तू जा, अल्लाह तुझे खैर करियत से ले जाए, तू इसकी फिक्र न कर। एक माँ के होते हुए उसके पुत्र को कुछ नहीं होगा। ओ दिलजा। जी भाई। जा अपनी भाभी को छोड़। जी अच्छा। अब नहीं शाहजी, मैं चली जाऊंगी। भाई के घर जा रही हो, ड्राइवर के साथ भेज रहा, हमारी शान को अच्छा नहीं लगता। हमेशा मुझे भाभी कहती है ना, अब देखना बहुत जल्दी मैं तुझे भाभी बना के अपने भाई के घर छोड़ा। जा रीशा, जा छोड़ अपनी भाभी को। जी भाई। रहीम शाह पुत्र, कल के बारे में क्या सोचा? शादी तो 6 दिन बाद है माँ, तो कल क्या है? तुम्हें याद नहीं पुत्र, कल काशिफ शाह ने धाज लेने आना है। तू फिक्र न कर माँ, रहीम शाह ने अपनी जायदाद के साथ अपनी जिंदगी का स्टाम्प भी बनवा लिया है। भाई, जिस शर्त का पता नहीं उसकी हामी क्यों भर ली आपने? पता तो जिंदगी का भी नहीं, फिर भी इंसान कल की बात करता है। तू सिर्फ इस बात का ख्याल रखना कि जिस तरह शेरबानो इस घर में सबका ख्याल रखती है, तू भी कल उस घर में जाकर इस मिसाल को जिंदा रखना। जी भाई। ओ बाबा, कोई रोटी टुकर भी खाया है या फुक्का ही लगा हुआ है? और देख, कम जरा टका के और जमात करी। काशिफ शाह को हल्का काम पसंद नहीं आता। ओ इसके लिए रोटी टुकर का बंदोबस्त करो। बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, चंगा किया शेर बनो तू आ गए। ओ बाबा, तेरे बगैर इस घर की खुशी अधूरी है। आ रीशा, अंदर माँ से मिल ले। नहीं भाभी, मैं चलता हूँ, भाई इंतजार कर रहे होंगे और वहाँ भी बहुत काम है। अच्छा चल ठीक है, खैर से जा, लेकिन गाड़ी ड्राइवर को चलाने देना। अच्छा जी भाभी। ओ दिलशा, रहीम शाह से कहना मैं कल आ रहा हूँ। पर शादी तो 6 दिन बाद है। ओ तू परेशान ना हो, ये मेरी और तेरे शाह की प्राइवेट बात है। बाबा याद से कह देना, चल वन चावा। अच्छा जी। ओ बाबा, अब तू अपने देवर को देखती जाएगी या अंदर भी जाएगी? चल वन चावा। बाबा जरा तेज हाथ चला, तू क्या स्लो मोशन में काम कर रहा है? इस तरह वक्त में काम खत्म नहीं होगा। हाँ लाले, कल की तैयारी मुकम्मल है ना? ओए निकिया, मगर शादी तो 5 दिन बाद है ना? पर लाले, हमें शादी से क्या मतलब? हमारा हिसाब किताब तो कल होना है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब है हमें भी कल की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ ना, हाँ शुक्र है लाले,
तू जल्दी समझ गया है मेरी बात को? ओ निकिया, ओ तू आएगा ना साथ? हाँ बाबा, ना तो पड़ेगा। अब उस भीड़ में मैं अपने भाई को अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। तो फिर ठीक है, मैं फोन कर देता हूँ अपने आदमियों को। ना 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 लाले, अच्छा भला काम करते करते फिर वही बात, आदमियों को लाने की जरूरत नहीं है ना लाले, ऐसे उनको भी हिस्सा देना पड़ेगा। देखो ना, जब दो पुराने यार दुश्मन बन के लड़ेंगे तो एक ना एक तो मरेगा ना, जो बचेगा उसके लिए हम दोनों काफी है। ओए नाम ही काफी है, आवल के काम भी काफी है, दाम भी काफी है। बच्चा। ओए निकिया, ये किसकी आवाज थी? ये उधर है या इधर? लगता है उधर तेरी तरफ ही है। बाबा कहे तू है ना, आज बड़ा खुश नजर आ रहा, कोई खास खबर मिली है क्या? और सही काशिफ शाह, इससे बड़ी खुशी की खबर और क्या हो सकती है कि कल तेरा हिसाब किताब बराबर होना है। लेकिन बाबा ये तो फोन पे किसको बता रहा था? ऐसा कौन सा शख्स है जो काशिफ शाह की खुशी में खुश है? मिलवाऊंगा, जरूर मिलवाऊंगा, बस कल ये तेरा काम हो जाए फिर सबको मिलवाऊंगा और फिर हम इसी तरह मिलते रहेंगे। और क्यों नहीं बाबा, क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। चंगा खाओ जा बाबा, अब तू सो जा, सवेर जल्दी जाना। हाय, आ आ शेर बनवा। क्या जी, ये मेरी बहन है शेरबानो। अच्छा अच्छा अच्छा, जीओंदी रहो जीओंदी रहो धीरे जीओंदी रहो। और शेरबानो ये है खावर शाह। खावर शाह हमारा नया हमदर्द। भाई जरा आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। एक्सक्यूज मी खावर शाह। ये आदमी पता बाबा, तेरे भाई को सब कुछ पता है। कमाल है, तुमसे बात करो तो तुम ये कहते हो कि तुम्हें सब पता है, उधर शाहजी से बात करो तो वो भी कहते हैं कि वो सब जानते हैं। फिक्र ना कर शेरवानो, फिक्र ना कर। फिक्र कैसे ना करो, दुश्मन का क्या पता कब कहां से वार कर दे। बाबा जो दुश्मन को पास रखते हैं ना, वो कभी अपनी आंखें और सोच बंद नहीं करते। तू फिक्र ना कर, जा 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 के सो जा, जब से आई है एक पल चैन से नहीं बैठी। जा you
काशिप शाह, रहीम शाह के घर दाज लेने आया है तू, और वो भी एक गाड़ी पर। खैर तो है? खैर है अम्मा साईं, खैर। बाबा जो कुछ काशिफ शाह को चाहिए उसके लिए ये गाड़ी काफी है। देख ले रहीम शाह, काशिफ शाह अपने वादे पे पूरे 5 दिन पहले आ गया है। मैं भी तेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़ा हूं। तनोली। जी शाह जी। ले ले काशिफ शाह, ले ले। जो कुछ मेरे पास था मैंने तेरे नाम कर दिया है। ना रहीम शाह, ना। इसमें एक चीज कट है। उसका बंदोबस्त भी कर दिया है मैंने, क्योंकि आज रहीम शाह तेरी हर मांग पूरी करेगा। पकड़ ले काशिफ शाह, रहीम शाह ने आज अपनी जिंदगी भी तेरे नाम कर दी। ओ ना बाबा ना, इनमें वो चीज नहीं है जो काशिफ शाह को दाज में चाहिए। रिश्तों के धागे टूटे, बिखरी सी जिंदगी, आश हमेशा रहती, निखरी सी जिंदगी। धोखे खड़े हैं आके क्यों दहलीज पे, अपने से बन के आए यूं दहलीज पे। क्या खो लिया, क्या पा लिया, क्या खो लिया, क्या पा लिया, ये गुर्बतें ये फासले, रवा दबा ही रहते हैं, नहीं रुकते ये दिल के काफले। पतझड़ हो गया है मौसम बहार का, कैसे पता ना चला हमें अगियार का, वहमो गुमा में कभी ऐसा नहीं।